हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं पावर पॉइंट का सेकेंड वीडियो मीन्स सेकेंड क्लास। ओके, इसमें हम लोग आज सीखेंगे बौद्ध भगवान वाला। मीन्स आपको एक एनिमेशन बना के दिखाएंगे, बौद्ध भगवान रहेंगे, उसके पीछे में पीछे चक्र घूमेगा और खरगोश इधर से उधर दौड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग एनिमेशन कैसे बनाएंगे, आपको यहाँ पे देखिए सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको पावर पॉइंट सर्च करना है और ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही पावर पॉइंट ओपन होता है आपको हम क्या बताया है कि सेलेक्ट करके यहाँ पे जो पेज में दिखाई दे रहा है उस पेज को सेलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस कर देना है। ठीक है, पेज सेलेक्ट करके डिलीट बटन कर देना है। तो इसके बारे में हम इसका डेफिनेशन बता चुके थे और इसका जस्ट पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं आप लोगों को कि किस तरह से इसमें इफेक्ट हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑफिस 10 है, थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिलेगा और आपको 7, आपके पास 7 है तो 7 ए भी अप्रोक्स मैच करेगा। ठीक है, अभी हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं। बैकग्राउंड राइट क्लिक, फॉर्मेट बैकग्राउंड, ग्रेडियंट फिल, और यहाँ से देखिए प्रीसेट कलर लिखा हुआ है, प्रीसेट कलर में आकर के यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक बैकग्राउंड ले लेते हैं और क्लोज कर देंगे। ठीक है, एक हम लोग बैकग्राउंड ले लिए। इसके बाद इंसर्ट में आपको आना है, इंसर्ट ऑप्शन है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे देखिए आपको क्लिप आर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, क्लिप आर्ट में आपको आना है और यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्टली आपको गो कर देना है। जैसे गो करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे देखिए इस जगह पे आप इस तरह से क्लिक करते रहिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये आपको सबके सिस्टम में मिल जाएगा ये पिक्चर, जितना भी यूज किया जा रहा है, जिसके जिसके पास ऑफिस 7 है, 10 है, सबके पास मिल जाएगा। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, सारा पिक्चर आपको यहीं पे मिल जाएगा और हम लोग सिर्फ क्ले पार्ट के यूज़ से ही हम लोग बना सकते हैं बहुत अच्छा सा एक एनिमेशन। देखिए यहाँ पे बौद्ध भगवान भी मिल गए और खरगोश भी मिल गया। अब इतने ही पार्ट्स को हम लोग क्या करेंगे, इफेक्ट डालेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, पहले मंदिर को सेटअप कर लेना है अच्छे तरीका से, ये रहा ऐसे, इसको कर दिए यहाँ पे, इसको सेट कर दिए यहाँ, इसको सेट कर दिए यहाँ। ठीक है, और इसको अभी साइड में रखते हैं, यहाँ पे इसको इस तरह से कर देंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इसको सामने रखेंगे। देखिए कैंडल छुप जा रहा है, पीछे की ओर छुप जा रहा है, क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन है, फॉर्मेट में आने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा ब्रिंग फॉरवर्ड, इसमें क्लिक कर लेना है। उसके बाद देखिए इसका आउटलाइनिंग शो कर रहा है कैंडल का, या फॉर्मेट का जस्ट नीचे यहाँ पे देखिए, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे तो उसका आउटलाइनिंग हट जाएगा। ठीक है, और खरगोश को थोड़ा सीधा कर देते हैं, लग रहा है झुका हुआ टाइप में, इसको क्लिक किए और यहाँ से क्लिक करके घुमा देंगे ऐसे, इसको रोटेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, शेप्स में जाएंगे और यहाँ से 32 पॉइंट वाला चक्र ले लेंगे, यहाँ से ऐसा चक्र हम लोग को बनाना है। अब यहाँ से फॉर्मेट में आएंगे, शेप फिल में आएंगे और कलर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कलर आउटलाइन, हम लोग आउटलाइन भी ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे फेस ढक जा रहा है तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सेंड बैकवर्ड करना पड़ेगा, यहाँ पे आएंगे और सेंड बैकवर्ड करना पड़ेगा, नहीं हुआ और एक बार करेंगे, नहीं हुआ और एक बार करेंगे, इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा कहाँ पे परफेक्ट होगा, और चक्र अगर मान लीजिए इक्वल नहीं हुआ है तो आप यहाँ से इक्वल पूरा गोल कर लीजिएगा इस तरह से, इस तरह से ये पूरा एग्जैक्ट हो गया है। ठीक है, इक्वल दोनों साइज है। अब हम लोग इसमें इफेक्ट डालेंगे, इफेक्ट कैसे डालेंगे, सबसे पहले इसको हटा देते हैं, सबसे पहला नंबर हम लोग चक्र पे क्लिक करेंगे और एनिमेशन में आएंगे, एनिमेशन में आने के बाद ऐड एनिमेशन में आना है और यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है मोर इम्फेसिस इफेक्ट, इस ऑप्शन में जाना है आपको और यहाँ पे हम लोग को ढूंढना है स्पिन, स्पिन मिल गया,
स्पिन मिल गया, अब यहाँ पे हम लोग को ओके कर देना है। ठीक है, ओके कर दिए, यानी इसमें एक इफेक्ट आ चुका है। ठीक है, एनिमेशन पेन लेने से आपको साइड में दिखाई देगा कि इफेक्ट हुआ है या नहीं। अब दूसरा इफेक्ट कैंडल में डालेंगे, तो कैंडल में इफेक्ट डालने के लिए आपको फिर से ऐड एनिमेशन में आना पड़ेगा, मोर मोशन पाथ में आना पड़ेगा, सर्कल में आना पड़ेगा और ओके कर देना है। ठीक है, अब अच्छे तरीके से वीडियो देखिए। ठीक है, आपको अगर फास्ट लग रहा है तो थोड़ा स्लो करके आप देख सकते हैं, या फिर आप रिप्ले आप दोबारा देख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, दो इफेक्ट हम लोग डाल दिए इसमें। अब हम लोग थर्ड इफेक्ट डालने वाले हैं खरगोश पे, तो इसमें भी क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम लोग फिर से आ जाएंगे ऐड एनिमेशन में, मोर मोशन पथ में आएंगे और यहाँ पे हम लोग को देखना है साइन वेव। साइन वेव देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंटिंग है, इस पॉइंटिंग को क्लिक करके खींच देना है ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से प्ले करेंगे, देखिए चक्र घूम रहा है अभी, फिर कैंडल घुमा और खरगोश। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इसको कंटिन्यू रखना है। तो कंटिन्यू रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक हम लोग को म्यूजिक डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें लोग म्यूजिक भी डाल देते हैं, तो म्यूजिक डालने के लिए आपको इंसर्ट में जाना पड़ेगा। इंसर्ट में आने के बाद आपको ऑडियो में आना है और ऑडियो फ्रॉम फाइल, ऑडियो फ्रॉम फाइल। उसके बाद यहाँ से आपको कोई भी एक म्यूजिक ले लेना है। अभी हम लोग सीखने के लिए, मीन्स अभी लर्निंग पीरियड के लिए, अभी कोई भी हम लोग म्यूजिक ले लेते हैं, जैसे ये हम लोग ले लेते हैं। ओके, जैसे उसमें हम म्यूजिक में क्लिक करके, इंसर्ट में क्लिक किए यहाँ पे, अच्छा ये म्यूजिक बोल रहा है नहीं आएंगे। ठीक है, दूसरा म्यूजिक ले लेते हैं। ये म्यूजिक आ गया, इसको आप इधर कहीं पर भी सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद देखिए यहाँ पे म्यूजिक यहाँ नीचे आ गया। ठीक है, लेफ्ट आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है म्यूजिक, इस म्यूजिक को क्लिक करना है यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे रीऑर्डर लिखा हुआ है इस जगह पे। रीऑर्डर में आपको यहाँ पे देखिए ऊपर इस तरह से क्लिक करते जाना है, इसी में तो ऊपर चला जाएगा। उसके बाद इसमें आने के बाद स्टार्ट ऑन क्लिक में क्लिक कर देना है, फिर ये सब में आकर के यहाँ पे क्लिक करेंगे, टाइमिंग में आना है और टाइमिंग में आने के बाद यहाँ से विथ प्रीवियस कर देंगे, और यहाँ पे देखिए रिपीट लिखा हुआ है, इस जगह पे आकर के आपको कर देना है अनटिल एंड ऑफ स्लाइड। इसका मतलब जब तक म्यूजिक बजेगा तब तक ये घूमते रहेगा। ओके, एंड सेकेंड इफेक्ट में हम लोग आते हैं, इसी में आपको आना पड़ेगा, टाइमिंग में आएंगे, यहाँ पे स्टार्ट में आएंगे विथ प्रीवियस, और रिपीट में आने के बाद, रिपीट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रिपीट में आने के बाद यहाँ पे अनटिल एंड ऑफ स्लाइड कर देना है, फिर ओके। एंड नेक्स्ट इफेक्ट में हम लोग जाते हैं, फिर से इसी में क्लिक करेंगे, टाइमिंग में जाएंगे विथ प्रीवियस, उसके बाद रिपीट में अनटिल एंड ऑफ स्लाइड, फिर ओके कर देंगे, कंप्लीट हो गया। यानी हम लोग को तीन इफेक्ट डालना था, तीन इफेक्ट डाल चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए प्ले करते हैं, देखिए आपको म्यूजिक का थोड़ा कुछ साउंड आ रहा होगा, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें और एक आपका इफेक्ट है, देखिए जहाँ पे ट्रांजिशन लिखा हुआ है, ट्रांजिशन में आपका यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए आफ्टर, इसमें क्लिक किया हुआ रहेगा, उसके बाद हम लोग F5 बटन, आपको कीबोर्ड में मिलेगा फंक्शन की F1 F2 F3, इस तरह से F5 बटन जैसे हम लोग प्रेस करेंगे तो ये फुल स्क्रीन में प्ले हो जाएगा। देखिए ठीक है, यानी इस एनिमेशन का मतलब है पूजा हो गया, पूजा हुआ, आरती हुआ, खरगोश प्रसाद लेके भाग गया। ठीक है, राइट क्लिक इंड शो, यहाँ पे समझ में आ गया किस तरह से हम लोग इफेक्ट डालें। इफेक्ट डालने के बाद आपको सेव करना है, सेव के लिए आपको फाइल में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे सेव में आकर के आप सेव कर सकते हैं। आप जिस नाम से सेव करना चाहते हैं यहाँ पे फाइल नेम टाइप कीजिए, और टाइप करने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, सेव हो जाएगा। ओके, समझ में आ गई आप लोग एनिमेशन। अगर आप लोग को एनिमेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।